राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए रायगढ़ रवाना होने से पहले एयरपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर कहा कि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वे कौशल्या के राम है, वे शबरी के राम है, भांचा राम है। हम उन्हें अनेक रूपों में देखते हैं, पूजते हैं और स्मरण करते हैं। दुख सुख में सब में हम राम का स्मरण करते हैं। वे केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि पीएम मोदी से पहले महात्मा गांधी जो कांग्रेसी नेता है, जिनको गोली लगी और गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा, जबकि ये तो कहते हैं कि आजादी भी 2014 के बाद मिली, ये उसी संस्कृति के लोग हैं। आज रायगढ़ जो कलाधानी है, वहाँ 3 दिन राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, और इसमें बड़े बड़े विद्वान और कलाकार वहाँ आके अपनी प्रस्तुति देंगे। उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। ये बयान कैसे देखते हैं? वो ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है, वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली, ये उसी संस्कृति के लोग हैं।